तो हेलो गाइस, ये है मेरा व्लॉग 46 एंड यस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो यार आज भी मैं अपने रोज के टाइम पे उठा हूँ एज यूजुअल, पर एक चीज है जो यूजुअल नहीं है, वो है इस वीडियो का टॉपिक। यार देखो, बैकलॉग्स में सबको बहुत दिक्कत हो रही थी तो मैं सोचा कि ये डिस्कस कर ही लेता हूँ। बट सबसे पहले मैं अपना बॉटल भर ले आता हूँ, देन कॉफी भी बना के ले आता हूँ, फिर आप लोग से अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो चलो यार, सबसे पहले तो मैं अपने पीसी में लॉग इन कर लेता हूँ, बिकॉज कल मैं मैकबुक में लेक्चर कर रहा था, इस वजह से लॉग आउट हो गया। क्या है ना, कुछ लोग बोलते हैं भाई तुम लैपटॉप में क्लास नहीं करते क्या, क्लास नहीं करते क्या, तो भाई करता हूँ यार, तभी तो लॉग आउट हो गया। तो अभी मैं लॉग इन करके सबसे पहले देख लेता हूँ आज के कौन से लेक्चर आ रखे। पर यार मैं ये क्यों देख रहा हूँ, बिकॉज आज तो रक्षाबंधन है यार, मैं तो भूल गया था ब्रो, आज कोई लेक्चर ही नहीं होगा, आज छुट्टी है। सही है सही है सही है। वैसे हाँ, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। वैसे तो अभी लेट हो गया, वीडियो एक दिन बाद आ रहा है, पर ठीक है। लेकिन वैसे भी अपने को तो लेक्चर करने ही यार, बिकॉज कुछ लेक्चर्स के बैकलॉग है तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आज तो मैं कुछ बैकलॉग्स के लेक्चर करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा, पर थोड़े बहुत ही रहेंगे लेक्चर, और डीपीपी सारे करूंगा आज। एंड हाँ, आप लोगों को ना बैकलॉग के बारे में आगे बताता हूँ वीडियो में अच्छे से, ठीक है। तब तक मैं अपना डेली टारगेट वगैरह बना लूँ पहले। भाई देखो, डेली टारगेट तो अपन रोज बनाते हैं, जो कि सच में कंसिस्टेंट रहने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो देखो, अगर आपको कंसिस्टेंसी पे एक वीडियो चाहिए रहेगी ना, और वैसे तो मैंने बना रखा है, पर अगर आपको वापस से चाहिए रहेगा उस पर वीडियो, तो मैं बना लूंगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ओके, सो डेली टारगेट अपना बन चुका है। आज मुझे ना फिजिक्स के लेक्चर करने और केमिस्ट्री का लेक्चर करना है, बाकी उन दोनों की डीपीपीस करूंगा मैं। देखो आज ये बैकलॉग्स ही है मेरे, तो मैं इसे कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, एंड आई गेस पूरा कर लेंगे अपन। वैसे तो आज छुट्टी है तो हो ही जाना चाहिए। और बाकी बायोलॉजी में मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स करूंगा। तो ठीक है, अभी इसे रखता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये सेंटर ऑफ मास वाला पहला लेक्चर करूँगा आज। मेरे और है लेक्चर करने को, पर या पहला वाला कर लेता हूँ। आई गेस इसमें सर ना पावर का थोड़ा सा टॉपिक बचा था, वो भी करवाएंगे। तो थोड़ा बहुत पावर का टॉपिक करने के बाद फिर सेंटर ऑफ मास पढ़ लूँगा आज। वैसे यार कल मैं ना बायोलॉजी जो एनसीईआरटी देख के कर रहा था ना पीडीएफ से, तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भाई कि तुम ये पीडीएफ से देख के क्यों कर रहे हो। तो शायद तुम लोग समझे नहीं, एक्चुअली वो जो पीडीएफ था ना, वो मेरे पास पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी का पीडीएफ था, जिसको देख के मैं अपने एनसीईआरटी में जहां जहां पे पीवाईक्यूज आए थे ना, वो चीज हाईलाइट कर रहा था और मार्क कर दे रहा था वहां पे। देखो उससे फायदा ये होता है ना कि जब भी मैं क्विक रिविजन करूंगा ना एनसीईआरटी का, तो मैं सबसे पहले ये पीवाईक्यूज पे ध्यान दूंगा, बिकॉज सबको पता है कि देखो वही चीज रिपीट होने वाली है। और एक और फायदा ये होता है कि उसके आसपास के टॉपिक्स भी मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि यार अगर देखो वहां से बना है ना, तो वो पैराग्राफ एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, तो उसके आसपास से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यार इसीलिए मैं वो यूज कर रहा था, एंड ये चीज बहुत फायदे वाली तो है यार। और हाँ, कुछ लोगों ने बोला टेलीग्राम पे शेयर कर दो, तो यार वो सब नहीं कर सकता मैं, बिकॉज ये मुझे एक बैच के साथ मिला था। अब वो बैच था एनसीईआरटी अभ्यास बैच, और ये एनसीईआरटी ना इनके अलावा और कोई नहीं दे रहा। और पता है ये बैच में ना खाली यही एक फीचर नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे क्रेजी फीचर्स है। मतलब बायो तो स्ट्रांग हो ही रहा है, पर इसमें ना तुम बाकी सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर सकते हो। जैसे कि अभी देखो, मैं फिजिक्स पढ़ रहा था ना, सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर, तो मैं इस बैच में जाके सर्च कर सकता हूँ वो वाला चैप्टर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देन मजे की बात ये कि इसमें आपको न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों के पेज वाइज फिल्टर्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो इससे ये फायदा होता है कि तुमने जो टॉपिक पढ़ा था, वो जिस पेज पे था, तुम खाली वो क्वेश्चंस आराम से फिल्टर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ये चीज ना तीनों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। एंड समझो कि तुम इससे कोई क्वेश्चन सॉल्व करे और तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बना, तो ना तुम इसके वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो, एंड कितना सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तुम लोग खुद सुनो। सो गाइस, इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ बोट ऑन व्हिच अ मैन इज स्टैंडिंग। सो इनिशियली द बोट इज स्टेशनरी, स्टेशनरी द वेलोसिटी इज जीरो। मस्त था ना। और पता है, चलो वीडियो सॉल्यूशन तो बात के बाद हो गई, अगर तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है खुद से ना, तो तुम हिंट्स देख सकते हो, जो कि प्रॉपर स्टेप वाइज में एक्सप्लेन करके दिया है। एंड ये चीज ना बहुत सही तरीके से हेल्प करता है, बिकॉज इससे आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और पता है ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है,
और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अपने को ये भी पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चंस कितने परसेंट लोगों ने सही किया था, कितने परसेंटेज लोगों ने गलत किया था। साथ ही में आप क्वेश्चंस को बुकमार्क भी कर सकते हो ताकि वो क्वेश्चन आप बाद में भी रिवाइज कर पाओ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करे और वो नीट में एक बार आ चुका है ना, तो आपको वहाँ पे ऊपर टैगलाइन भी मिल जाएगा कि ये नीट में PYQ था। तो यार मैं तो बोलता हूँ ये सब फीचर्स आप खुद जाके नीट प्रेप एसेंशियल ऐप डाउनलोड करके ट्राई कर लो, जिन सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ऐसा मत सोचना कि आपको पसंद नहीं आएगा तो क्या करोगे, क्योंकि आपको 3 डेज के अंदर फुल मनी रिफंड रहेगा बिना किसी सवाल जवाब के। एंड याद रखना, पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यहीं से। ओके गाइस, सो मेरा लेक्चर हो चुका है पूरा। ये देखो भाई, थैंक यू वाली स्लाइड बहुत खुशी देती यार, ये स्लाइड है ना। एनीवेज यार, ये लेक्चर करते हुए थोड़ा टाइम तो लग गया, पर कोई ना, अभी मैं नहाने जाऊंगा, उसके बाद फिर खाना वगैरह खाऊंगा। देन आज मुझे मॉर्फोलॉजी की एक ट्रिक फिर से शूट करनी है। अरे यार सॉरी भाई, गाड़ी आ गई। हाँ तो मैं कह रहा था कि मेरे मॉर्फोलॉजी की, अरे नहीं तो मैं यार, ये गाड़ी बहुत दिक्कत देती है यार, यहीं से आती जाती रहती है ना, बिकॉज मेरा फर्स्ट फ्लोर पे घर है। एनीवेज तो मैं कह रहा था ना कि मुझे मॉर्फोलॉजी के आज फिर से एक और ट्रिक वाला वीडियो शूट करना है, तो मैं फटाफट से उसे शूट करके एडिट करके आज अपलोड करवा दूंगा आपके लिए। तो फिर चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके तो गाइज, आई एम बैक। एंड यार बाल अभी मेरे थोड़े गीले ही है, मैं जस्ट नहा के निकला हूँ। एंड मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर किया है, बिकॉज कोई था नहीं घर पे, तो अभी मेरा खाना थोड़ी देर में जोमेटो से आने ही वाला है। तब तक मैं पता नहीं क्या करूँगा, आई गेस बाल ही सुखाऊंगा, उसके बाद फिर सीधा पढ़ने बैठूंगा खाने के बाद। ओके ओके, तो मेरा खाना पीना सब हो चुका है एंड मैंने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। अभी मैं बायोलॉजी पढ़ने बैठूंगा, तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों करने वाला हूँ आज मैं, बिकॉज वैसे भी मुझे बॉटनी के लिए ट्रिक्स वाला वीडियो शूट करना था ना, तो मैंने सोचा कि एक बार उसको भी रिवाइज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जूलॉजी तो वैसे भी करना ही है। अभी 8:30 हो रखे और मैंने अभी बायोलॉजी पूरा खत्म किया है। एक्चुअली मैंने थोड़ी देर पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, उसके बाद फिर मैं वीडियो शूट करने बैठा, देन फिर मैं जूलॉजी किया, और जूलॉजी में वही लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चल रहा है मेरा अभी। देन अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक लेक्चर कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे आज के सारे लेक्चर हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं DPPs कर लूंगा, तो आज के सारे टास्क भी पूरे हो जाएंगे एंड लेक्चर्स भी पूरे हो जाएंगे। तो चलिए भैया, आज अपने पास आयनिक क्लोरम का आज से, आज की क्लास से आयनिक क्लोरम। ओके, तो चलो अभी ना अपन वो टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका आप लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि बैकलॉग्स के बारे में। देखो यार, बैकलॉग्स अभी बहुत लोगों का बन चुका है, बिकॉज क्या है कि अपन ऑलमोस्ट आधे सिलेबस के करीब पहुंच चुके हैं। एंड ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये बीच का टाइम पीरियड थोड़ा अलग सा ही होता है, क्योंकि क्या है कि लोग स्टार्टिंग में बहुत जोश में रहते हैं और एंड में बहुत जोश में रहते हैं, फिर बीच में ढीले पड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत से लोगों का बैकलॉग क्रिएट हो रखा है। वो लोग मुझे DMs कर रहे हैं कि भैया मेरा ये बैकलॉग है, भैया मेरा वो बैकलॉग है। देखो यार, सबसे मेन चीज तो पहली बात, बैकलॉग तुम लोग बनने मत दो, और अगर बन चुके हैं तो कोशिश करो कि तुम उसे 2x पे खत्म करो। देखो MR सर भी यही बोलते हैं कि अगर तुमने बैकलॉग बनाने को 10 दिन लिए तो बैकलॉग कवर होने को 10 दिन लगेंगे, तो फिर उससे डर क्यों रहे हो यार, आराम से कर लो ना। या तो देखो, कोई टॉपिक आपने ऑलरेडी पहले कहीं पढ़ रखा है अगर आप ड्रॉपर हो, तो या तो आपको वो टॉपिक ठीक से आ रहा है ना, तो तुम उसके वन शॉट देख लो, वो एक ऑप्शन है। या तो तुम अगर फ्रेशर हो, तुम 11th या 12th में हो, तो तुम्हारे पास टाइम है, इसीलिए तुम लोग लेक्चर देख सकते हो आराम से, तो 2x करके देख लो लेक्चर। जो ड्रॉपर्स हैं उनके पास टाइम कम होता है, उन्हें एक साल में बहुत सारा सिलेबस करना होता है, इसीलिए वो लोग वन शॉट देख सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करो 2x पे लेक्चर देख लो, DPPs किसी के भी मत स्किप करो, एंड लेक्चर भी कोई मत स्किप करना। बाकी तो ऐसा करो कि जो पहले के लेक्चर है वहीं से चालू करो, ऐसे बीच में रैंडमली उठा के मत चालू कर लो कि जो चैप्टर चल रहा है वहीं से चल लेते, बिकॉज अगर तुमने ना जो चैप्टर चल रहा है वहां से पेस पकड़ लिया तो तुम पीछे का चैप्टर कर ही नहीं पाओगे। इसलिए पीछे से चलते आओ और धीरे 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 करके कवर अप करो। जरूरी नहीं है कि लाइव लेक्चर के साथ ही चलो, ऐसे ही चलो वैसे ही चलो, आराम से पीछे अगर छूट गए हो तो पीछे से 2x से करते 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 फटाफट आओ, कोई टेस्ट वगैरह मत मिस करो। तो यही मेरी एडवाइस रहेगी बैकलॉग के रिगार्डिंग, क्योंकि सिंपल है। अब इसमें तुम ये नहीं, कुछ ट्रिक नहीं कर सकते ना कि ठीक है यार ये चैप्टर में छोड़ देता हूँ। भाई अगर छोड़ देगे ना तो समझ लेना कि वो चैप्टर गया फिर काम से। और ऐसा है ना कि अगर तुम एक चैप्टर छोड़ रहे हो तो आगे के उससे जो 2-3 चैप्टर रिलेट होते हैं ना, तुम्हारा वो भी ठीक से क्लियर नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए छोड़ के एक भी चैप्टर मत जाना, भले थोड़ा कम प्रिपेयर रहे पर प्रिपेयर करके जाओ। ओके गाइस, सो अभी मैंने लेक्चर ख़त्म कर लिया है, मतलब मैं बीच में थोड़ी देर उठा था, फिर मैंने खाना खाया, थोड़ा ब्रेक लिया, देन फिर मैंने आके फिजिकल केमिस्ट्री का ये जो लेक्चर था वो ख़त्म कर लिया है। सो आज के लेक्चर्स तो पूरे हुए, अब बारी है DPPs की, तो मैं बायो का करूँगा, फिजिक्स का करूँगा, देन फिजिकल केमिस्ट्री का करूँगा। वैसे पता है मैंने ना फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक आइडिया सोच रखा है कि देखो अब उसके वैसे ही 30-30 क्वेश्चन के DPPs होते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अमित महाजन सर के DPPs जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वो फॉलो करूंगा। क्योंकि भाई देखो मैं तो 30 क्वेश्चन करके पक गया यार, मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन 30-30 दे दोगे, खाली वैल्यूज चेंज कर दोगे तो फिर क्या मतलब यार, बोर हो जाता है। फिर क्या है कि मैं 30 क्वेश्चन देख के लगता है कि यार ये सॉल्व करने बैठूंगा तो बाकी की चीज़ें छूट जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कम क्वेश्चन सॉल्व करूं पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करूं। मतलब ऑफ कोर्स मैंने अभी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे ऑलरेडी पिछले साल भी, तो ठीक है मुझे चल जाएगा ये, आप अपने हिसाब से फॉलो करना ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसे ही फॉलो करो। तो देखते हैं आज अमित महाजन सर का DPPs कैसे है, किस लेवल के है भाई, वो भी देखना पड़ेगा ना। तो चलो पहले आज चालू करते हैं, सबसे पहले आज फिजिकल केमिस्ट्री करूंगा मैं। बाकी यार अगर तुमको और भी किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट में बताते रहना ठीक है, मैं बना दूंगा उस पर। एंड हाँ, अपन 75 डेज चैलेंज चालू करने वाले बहुत ही जल्दी है, तो जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना वो सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज मैं डेली अपडेट करता रहूंगा, या तो यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू या जैसे भी मैं करता रहूंगा, तो तुम्हें इससे आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है मेरा प्रोग्रेस कहाँ चल रहा है, तुम्हारा प्रोग्रेस कहाँ चल रहा है। एंड सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे लोग रहेंगे, तो तुम लोग भी अपना अपडेट देते रहना कमेंट सेक्शन में, ताकि सब लोग एक दूसरे को देख के समझ पाए कि ठीक है यार करना तो पड़ेगा इतना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो भाई, मिस मत करना, भूल जाओगे वरना तुम लोग, क्योंकि 75 डेज बहुत लंबा है एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लोग बीच में छोड़ दें। तो लेट्स सी कितने लोग शुरू करते हैं और कितने लोग ख़त्म करते हैं साथ में। वैसे यार मुझे कुछ लोगों ने बहुत एडवाइस किया कि तुम स्टडी विथ मी सेशंस दोबारा लो, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं लूँ। वैसे तो यार क्या था कि मेरा जिम भी था ना, तो मुझे दिन भर में कहीं टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मे बी अगर मैंने जिम बंद किया तो मैं कोई भी टाइम पे अवेलेबल रह सकता हूँ स्टडी विथ मी के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है, तुम लोग बस कमेंट में हाइप बता दो कि कितनी है लाइव सेशन के लिए, मुझे पता लगे ना कि लोग आना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे उसके लिए सेटअप करना पड़ेगा यार। तो गाइज मैंने अभी फिजिकल केमिस्ट्री का DPP सॉल्व कर लिया यार, पहली बार फिजिकल केमिस्ट्री का DPP इतने जल्दी सॉल्व हुआ। मतलब पता है एक्चुअली मैं ना इतने कम क्वेश्चन देख के, कम नहीं पर 15 क्वेश्चन एवरेज देख के अच्छा लगता है यार, लगता है कि हाँ ठीक है सॉल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि सब क्वेश्चन यूनिक होते हैं एंड फिर बोर नहीं करते ना, एक ही रिपीट बार बार होता रहेगा तो बोर होता है यार वो। एनीवेज अभी मैंने देखा कि फिजिक्स का आज मैंने पहला लेक्चर किया था ना सेंटर ऑफ मार्क्स का, तो इसीलिए आज उसके कोई भी DPPs तो नहीं है, इसीलिए अब बच रहा है खाली बायोलॉजी, तो फटाफट मैं बायोलॉजी ख़त्म करूँगा, उसके बाद फिर आज के सारे DPPs और जो भी लेक्चर्स थे वो तो हो जाएंगे ठीक है। वैसे साथ में मैंने ये स्टडी म्यूजिक लगा रखा था बिकॉज अच्छा लगता है ये साथ में सुनने को, तो चलो अभी बायोलॉजी करता हूँ मैं भाई। बायो यो 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 किधर है भाई ये रहा। ओके यार तो काफी जल्दी खत्म हो गया ये बायोलॉजी का DPP, मेरे 3 क्वेश्चन गलत थे, उसमें से एक तो मैंने सिली मिस्टेक कर दिया और बाकी के 2 में से एक मुझे नहीं आता था और एक मैंने अब तक रिवाइज ही नहीं किया था। एनीवेज तो चलो बायोलॉजी के सारे DPPs हो चुके पूरे और आज का टास्क हो चुका पूरा। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये दोनों वीडियो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है चेक कर लेना याद से, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे ठीक है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय। वैसे मैं आपको बोलता 2 वीडियोस चेक कर लेने के लिए, लेकिन दिखते 4 है, तो ऐसा नहीं कि उन दोनों को इग्नोर कर देना, मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस भी चेक कर लेना ठीक है। अब पक्का बाय।